The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अनु शर्मा आपके लिए खबरें लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ, आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर कोई मना रहा है। एक ऐसी भाषा जिसको बोलने में हमें सम्मान महसूस होता है। लेकिन वहीं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोविड-19 की जो भी खबरें आ रही हैं कि किसने ये शुरू किया और कहाँ पर ये तैयार किया गया और क्या जानबूझकर इसको फैलाया गया है, इस बारे में खुलासा हो चुका है। जी हाँ, ये खबर मैं आपको दूंगी जब आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि बिल गेट्स ने इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में ऐसा क्या कह दिया जो एलन मस्क को बुरा लग गया। ऐसी तमाम खबरें हैं जो आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसके लिए आप बने रहिए अंत तक डॉन एक्सप्रेस के साथ। अब बात करते हैं हिंदी दिवस की। 14 सितंबर यानी आज के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल हुआ ये था कि 1949 को ही ये सब ने तय कर लिया था एक महासभा में कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल आज़ादी से पहले ही गांधी जी ने ये सोच लिया था कि भारतीयों के लिए हिंदी ही उनकी राष्ट्रभाषा रखी जानी चाहिए और उन्हीं का सम्मान रखते हुए ये सब ने फैसला किया था कि 14 सितंबर 1949 को, जैसे कि हमने बताया, एक महासभा में सभी ने गांधी जी के फैसले का सम्मान करते हुए इस बात पर राजी हुए कि हाँ, हिंदी ही राष्ट्रभाषा के लिए प्रयोग होगी। हिंदी दिवस की खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि ये वो दिन है जब कोई भी विद्यार्थी अनछुआ नहीं रहता है। अगर स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो कई तरीके के आयोजन किए जाते हैं समारोह के लिए, और अगर दफ्तरों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की, तो वहाँ भी कई तरीके के समारोह आयोजित किए जाते हैं। आज मैं आपको एक खास दौर पर रोशनी डालना चाहती हूँ और वो दौर है अंग्रेज़ी दौर का। जी हाँ, आज हर कोई अंग्रेज़ी भाषा के पीछे पड़ा रहता है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा या वो खुद अंग्रेज़ी भाषा में महारत हासिल करे। लेकिन शायद हमें लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी उसको वो जगह नहीं मिल पाई है। तो आइए, चलिए आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस को हम सब आपस में ये प्रण लेते हैं कि अपनी भाषा को लेकर कभी भी नीचा नहीं सोचेंगे। और इंग्लिश एक अलग तरीके की भाषा है, हर भाषा का अपना एक सम्मान होता है। अगर कोई भी भाषा हमें बोलनी आती है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि दूसरी भाषा उससे छोटी है। लेकिन आज के समाज में हम लोग जहां अंग्रेजी भाषी लोगों को ज़्यादा मानते हैं, वहीं हिंदी भाषी लोगों को इतना नहीं मानते। लेकिन आज भारतीय होने के नाते आपसे गुजारिश करती हूँ कि हम सबको हिंदी भाषा का भी प्रयोग अच्छे से और सम्मान के साथ करना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले हम आपको देंगे एक खुशखबरी। तो वो खुशखबरी ये है, बिना आपके इंतज़ार किए बताती हूँ कि एक बार फिर से भारतीय ने, जी हाँ, भारतीय सेना की अगर मैं बात करूँ तो उसने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल 62 साल हो चुके हैं जब चीनी भारतीयों का युद्ध हुआ था। हालांकि हम वो युद्ध जीत नहीं पाए थे, लेकिन आज 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ, अगर मैं बात करूँ कैलाश पर्वत श्रृंखला की, तो वो हमने अपने कब्जे में ले ली है। तो हुई ना ये खुशखबरी। एक और ख़ास खबर केदारनाथ से आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये है कि 7 साल हो चुके हैं जब केदारनाथ में आपदा आई थी। हम सब जानते हैं कि कितना भयंकर तूफान था, पूरे केदारनाथ को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इतने सालों बाद भी बाबा केदारनाथ को अपनी खुद की भूमि में ही जगह नहीं मिल पाई है, भूमि विहीन हो चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शासन और प्रशासन मिलके भी उनको अपना हक नहीं दिला पाए हैं। दरअसल सारी टूट फूट होने के बाद इस आपदा में अब तक कोई भी चीज़ ढंग से नहीं बन पाई है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो आज तक 7 सालों के बावजूद भी यहीं पर टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं, और मंदिर भी अभी तक पूरी तरीके से निर्माण नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या
और भी साल लगेंगे केदारनाथ को अपनी जगह वापस पाने में, या फिर ये सिलसिला कितने और सालों तक चलेगा। एक और खुशखबरी द डॉन एक्सप्रेस में आज मैं आपकी होस्ट लेकर आई हूँ, और वो ये है कि जितने भी लोग स्टार्टअप में करना चाहते हैं काम, अपना काम शुरुआत करना चाहते हैं और स्टार्टअप इंडिया में भागीदारी बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि सरकार अब ऐसे ही लोगों के लिए दो योजनाएं शुरू करने वाली है। दरअसल ये दो योजनाएं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगी। पहला, कर्ज की बात। अगर लोन की बात करें तो बैंकों से उनका पूरा टाइप रहेगा जिससे आपको लोन भी मिल सकता है। और दूसरा, शुरुआती दौर में जो पूंजी आपको जुटानी होती है उस बिंदु पर भी सरकार गौर कर रही है। तो जितने भी लोग हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया उसको बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत प्रोत्साहित हो चुके होंगे। इस बात की और जानकारी आप किसी भी सरकारी वेबसाइट से भी जुटा सकते हैं। जितनी भी महिलाएं हमारे शो को देख रही हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आपके लिए भी बहुत ही बड़ी खबर है। हर कोई महिला सोना और चांदी अपने घर में रखना चाहती है, उन गहनों से सजना चाहती है। तो अगर आप सोना या चांदी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक महीने में सोना 4,526 रुपये टूटा और चांदी के रुपए में भी बहुत गिरावट आई है। जी हाँ, चांदी की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं सोने में के रेट भी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कोई भी ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि संसद में मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ, लेकिन इस बार ऑल पार्टी मीटिंग नहीं रखी जाएगी। 20 सालों में ये पहली बार होगा कि ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं रखी जाएगी। हर बार हमेशा सारे सदस्यों के बीच पहले मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसके बाद ही कोई भी सत्र शुरुआत होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल अगर रिपोर्ट्स की माने, सूत्रों की माने, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांसदों के बीच काफ़ी मनमुटाव हो चुका है और इसी के सिलसिले में इस बार ऑल पार्टी मीटिंग नहीं की जाएगी। अब आपको बताते हैं एक खास खबर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। दरअसल अमेरिका की UNC मेडिसिन लेबोरेटरी ने एक तस्वीर साझा की है, जिस तस्वीर में साफ देखा गया है कि किस तरीके से अगर हवा में कोरोना वायरस आपके अंदर पहुंचा और आप संक्रमित हो गए तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। किस तरीके से आपके फेफड़ों की कोशिकाओं में वायरस आ जाता है और किस तरीके से काम करता है, ये बहुत ही सरल तरीके से वैज्ञानिकों ने तस्वीर में साझा कर दिखाया है। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि इस महामारी की चपेट में आने से बचें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें और महफूज रखें। आपको बता दें, एक ऐसा ऐप Google Duo ऐप, जिसको आप वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें अलग अलग सेटिंग्स भी होती हैं जो बच्चों को काफ़ी आकर्षित करती हैं और हालांकि बड़ों को भी, लेकिन अब ये ऐप आपके एंड्रॉयड TV पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालाँकि आप इसे सेटिंग पे जाकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये आपके एंड्रॉयड TV पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, हर घर में उनको हर कोई जानता है। बिल गेट्स एक ऐसा नाम है जो बहुत ही मशहूर है। ऐसे में बिल गेट्स ने इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में टिप्पणी दी है हाल ही में। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक ज़्यादा दूरी तय करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वहीं SpaceX के CEO एलन मस्क ने कहा कि वो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। जी हाँ, बिल गेट्स की बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में बिल गेट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या दोनों दिग्गज आपस में जो जवाबदेही कर रहे हैं उसका क्या निर्णय निकलेगा।
कोरोना महामारी के लिए जो भी नियम कानून केंद्र सरकार ने लागू किए थे उसको लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है, अलग अलग सोच के अनुसार। जी हाँ, कुछ लोग एक तरफ जहां मानते हैं कि सरकार ने कड़े कदम उठाए जिसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान होने से भारत बच गया, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कई बेरोजगार ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की और ये उन्हीं नियम कानून की बदौलत है कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है और कई लोगों के खाने के लाले भी पड़ चुके हैं और अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं। हालांकि जितनी सोच उतनी बातें, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या केंद्र सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए वो अच्छे थे या वो सही नहीं थे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। कोविड-19 की अगर बात करें तो हम सबको पता है, कहीं ना कहीं कई खबरें भी आई हैं, कई सूत्रों से भी पता चला है कि इसके जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, लेकिन चीन इस बात से हमेशा मुकरता नजर आया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चीनी वायरस भी कहा है और कुछ लोगों ने इसे वुहान वायरस के नाम से भी पुकारा है, लेकिन चीन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोरोना का पूरा ठीकरा उन पर ही रख दिया गया है। लेकिन इस बार ये प्रूफ सामने है। जी हाँ, अटकलें आ रही थी सूत्रों के मुताबिक कि कुछ लोग ये खास तौर पर मानते हैं कि ये वायरस वुहान की लैब में बनाया गया है और इसको जानबूझकर फैलाया गया है। इस बार चीन की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली ने पुख्ता सबूत के साथ ये बात पेश की है। उन्होंने अपनी हाल की एक वीडियो में ये बात रखी है कि उनके पास इस तरह के प्रूव है कि वुहान की लैब में ही ये कोरोना वायरस बनाया गया है। खैर, अब इस बार क्या होगा, क्या बाकी डॉक्टर्स की तरह भी उनकी जान चीन में रहते हुए खतरे में है? हम उनकी जान की सुरक्षा की कामना करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखें। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। खबरों के बाकी सिलसिला बना रहेगा, कल हम फिर हाजिर होंगे और कुछ दिलचस्प और नई खबरों के साथ। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं और प्रेस आइकन यानी बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सह आभार। डेली होंट डेली हो। नमस्कार।